कैसे हो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू जिसको देखने के बाद आप में से कई लोगों का दिल करेगा ऐसी लाइफ एक बार जीने का। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, इस मूवी का नाम है डॉन जॉन, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में ही अगर कहानी पर गौर किया जाए तो हम में से काफी लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे, पर अभी के लिए ख्वाहिशों को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। ये कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो अश्लील फिल्मों का दीवाना है, जिसे रियल सेक्स से ज्यादा हिलाना पसंद है। मूवी की शुरुआत में ही हम जॉन की वॉइस ओवर में सुनते हैं कि उसका मास्टरबेशन करने का अपने एक अलग मेथड है। पहले वो मॉडल्स की फोटोज देखता है, फिर वो एक पर्टिकुलर वीडियो को ढूंढता है, और जब तक उसे उसकी पसंद का वीडियो ना मिल जाए तब तक वो हिला नहीं पाता है, और एक परफेक्ट वीडियो मिलने के बाद वो खुद को उसमें खो देता है। जॉन की लाइफ में बहुत सी चीजें मैटर करती थी, जैसे कि उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी गाड़ी, फैमिली, चर्च, दोस्त, लड़कियां और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉर्न। एक दिन वो क्लब में जाता है जहां वो अपने दोस्त बॉबी और डैनी से मिलता है, और सब मिलकर वहां मौजूद लड़कियों को आउट ऑफ 10 रेट करते हैं। तभी जॉन की नजर बार के पास रेड ड्रेस में खड़ी लड़की पर जाती है, जिसका रोल प्ले किया है स्कारलेट जोहानसन ने, यानी कि हमारी ब्लैक विडो ने। थोड़ी देर बाद जॉन उससे अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट से अप्रोच करता है, और ये दोनों डांस करने लग जाते हैं, और देखते ही देखते दोनों किस भी करने लगते हैं, पर बारबरा उसे रोक देती है और कुछ देर के बाद अपनी दोस्त के साथ वहां से निकल जाती है, पर जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वो फिर से क्लब जाता है और एक हॉट लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसे अपने घर पर लाता है, और दोनों के बीच घपाघप होता है, जिसके बाद जॉन चुपके से खुद को अश्लील फिल्में दिखाकर सेटिस्फाई करता है। जॉन खुद एक्सेप्ट करता है कि वो हर रात एक नई लड़की के साथ बिताता है, पर किसी वजह से उसे रियल सेक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन पॉर्न देखकर मिलती है, क्योंकि इन फिल्मों में लड़कियां जिस तरह से मौन और फैंटेसाइज करती हैं वो रियल लाइफ से काफी अलग होता है। पर किसी वजह से जॉन बारबरा को नहीं बुला पाता है। वो सोचता है ये वही लड़की है जिसके साथ पॉर्न देखने जैसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वो अपने दोस्तों के साथ उसे ऑनलाइन ढूंढना शुरू करता है। फाइनली उसे बारबरा की फेसबुक आईडी मिल जाती है, फिर वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता है और उसको लंच के लिए भी बुलाता है, और यहाँ फाइनली दोनों की दोबारा मुलाकात होती है, और बारबरा उससे पूछती है कि सच बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। जॉन कहता है कि तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, दरअसल बात यह है कि तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। ये सुनकर बारबरा काफी इम्प्रेस होती है, जिसके बाद दोनों मूवी देखने भी जाते हैं और रेगुलरली डेट पर जाने लगते हैं। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और एक बार जब ये दोनों बारबरा के अपार्टमेंट के बाहर किस कर रहे होते हैं तो जॉन बोलता है कि अब हमें इंटीमेट होना चाहिए, पर बारबरा कहती है कि ये सही समय नहीं है, पहले मैं तुम्हारी फैमिली और दोस्तों से मिलूंगी और तुम मेरी फैमिली और दोस्तों से, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती हूँ ना कि वन नाइट स्टैंड। और जॉन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद अपने वन मंथ रिलेशनशिप एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये अपने दोस्तों को क्लब में बुलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी मिलते हैं, जहां दोनों की फैमिलीज भी उन्हें पसंद करती हैं। फिर एक दिन नाइट क्लास के दौरान बारबरा जॉन को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके अपार्टमेंट में आना चाहती है। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। क्लास में वापस जाने के दौरान जॉन एक लड़की को रोते हुए देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात को बारबरा जॉन के अपार्टमेंट में आती है और फाइनली दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जॉन बारबरा से भी सेटिस्फाई नहीं होता, और फिर रात को चुपके से उठकर अश्लील फिल्में देखने जाता है, मगर अचानक बारबरा उसे ऐसे देखते हुए पकड़ लेती है और उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है। फिर जॉन उससे झूठ बोलता है कि ये वीडियो उसके किसी दोस्त ने प्रैंक के तौर पर भेजा है और वो कभी भी पॉर्न नहीं देखता। ये सुनकर बारबरा शांत हो जाती है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो आगे कभी ऐसी वीडियोस नहीं देखेगा। अब जॉन के लिए अश्लील फिल्में देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बारबरा अपना मोस्टली टाइम जॉन के अपार्टमेंट में ही बिताने लगी थी, जिसके बाद वो अपनी कार में या फिर नाइट क्लास में अश्लील फिल्में देखता था, और वो कितनी भी कोशिश करे पर इस हैबिट को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो नाइट क्लास में अश्लील फिल्में देख रहा होता है
तो इस तरह उसके पास आकर बैठती है और उसे अश्लील फिल्में देखते हुए पकड़ लेती है और बातों ही बातों में उससे कन्फ्रंट करवाती है कि क्या वो क्लास में अश्लील फिल्में देख रहा था। जॉन थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसे मना कर देता है। नेक्स्ट डे हम जॉन और बारबरा को शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर जॉन अपने अपार्टमेंट के लिए कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेने जाता है। ये सुनकर बारबरा थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने अपार्टमेंट की सफाई खुद करते हो। जॉन कहता है कि इसमें क्या बुराई है, यहाँ तक कि मैं सफाई से लेकर अपने घर का सारा काम करता हूँ। ये सुनकर बारबरा फिर भड़क जाती है और कहती है, मैं अपनी मेड से बात करती हूँ, वो आकर सारा काम कर देगी और शादी के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज नॉट सेक्सी। बट जॉन कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे रूम की सफाई कोई और करे, और फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। मगर अंत में बारबरा कहती है कि इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी और फाइनल हो गया है कि आज के बाद तुम घर की सफाई नहीं करोगे। कहानी में आगे नाइट क्लास के बाद हम जॉन को इस तरह के साथ देखते हैं, जहां पर इस तरह उससे कुछ सवाल पूछती है कि तुमने नाइट क्लास क्यों ज्वाइन करी। जॉन बोलता है कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और जॉब में ऊपर जाने के लिए मुझे क्लासेस करना जरूरी है। पर ये सब सुनकर इस तरह कहती है कि फिर तुमने ये क्लास क्यों चुनी। इसके बाद जॉन बोलता है कि उसने नहीं चुनी बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चुनी है। ये सुनकर इस तरह उससे पूछती है कि शायद तुम्हारी लाइफ के सारे डिसीजंस तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेती है। ये सुनने के बाद जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर जॉन देखता है कि बारबरा एकदम अपसेट है और गुस्से में है, तो जॉन उससे पूछता है कि क्या हुआ। बारबरा कहती है कि मैंने तुमसे बस एक ही चीज मांगी थी कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। ये सुनकर जॉन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तब बारबरा उससे कहती है कि आज ही के दिन तुमने 46 अश्लील साइट्स खोली हैं और ये सब तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री में है। ये सब सुनकर जॉन बोलता है कि हाँ मैंने झूठ बोला, बट सारे लड़के अश्लील फिल्में देखते हैं, सो दिस कांट बी एन इशू। ये सुनकर बारबरा काफी गुस्से में आ जाती है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और बारबरा वहां से चले जाती है। अब आगे जॉन अपने पुराने लाइफस्टाइल में जाने की कोशिश करता है, जहां वो फिर से क्लब्स और चर्च जाता है और अनलिमिटेड अश्लील फिल्में देखता है। बट वो नाइट क्लासेस पूरा करने का डिसीजन लेता है। फिर जॉन क्लास में इस तरह को देखता है और खुद जाकर उससे बात शुरू करता है, और फिर हम इन दोनों को कार में इंटीमेट होता देखते हैं। उसके बाद इस तरह पूछती है कि तुम इतना ज्यादा अश्लील फिल्में क्यों देखते हो। जॉन कहता है उसे रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कि रियल सेक्स से नहीं मिलता। पॉर्न में मैं खुद को खो देता हूँ, बट रियल चीज में ये हमेशा वन साइडेड होता है। ये सुनकर इस तरह कहती है कि क्या कभी तुमने बिना हिलाए करने का ट्राई किया है। जॉन बोलता है नहीं। इस तरह कहती है कि बिना अश्लील फिल्में देखे हिलाने की कोशिश करो। अगला पूरा हफ्ता जॉन अश्लील फिल्मों को देखे बगैर हिलाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। क्लास शुरू होने से पहले वो इस तरह को बताता है कि उसने पूरे हफ्ते नहीं हिलाया है, और फिर ये दोनों क्लास बंक करके इस तरह के घर पर जाते हैं। वहां पहुंचकर इस तरह जॉन से कहती है कि हालांकि ये तुम्हारी लाइफ है तो तुम्हें ही डिसाइड करना है। पॉन में तुम्हें वो दिखाया जाता है जो कि तुम देखना चाहते हो, हालांकि ये रियलिटी नहीं होती है। तुम जिस सेटिस्फेक्शन की तलाश में हो वो तुम्हें रियल चीज में भी मिल सकता है, अगर तुम उसे दिल से प्यार करो तो, और फिर तुम्हें उसके बाद अश्लील फिल्में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब के बाद इस तरह कहती है कि चलो एक काम करते हैं कि एक साथ नहाते हैं, जिसके बाद इस तरह टावल लेने जाती है और थोड़ी ही देर में रोने लगती है। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम बाथरूम में क्यों नहीं आई और तुम हर बार इतना रोती क्यों हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है। इस तरह कहती है कि कुछ साल पहले उसके हस्बैंड और बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनकर जॉन शॉक हो जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, जिसके बाद उससे हमदर्दी होने लगती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मगर इस बार जॉन काफी इमोशनल हो जाता है और हम उसके फेस पर सेटिस्फेक्शन भी देख सकते हैं। इसके बाद जॉन बारबरा को मिलने को बोलता है और माफी भी मांगता है, पर बारबरा कहती है कि मैंने तुमसे बस एक ही चीज मांगी थी और तुम वो भी नहीं कर पाए। ये बोलकर वो वहां से चले जाती है। आगे हम जॉन को रेगुलरली इस तरह से मिलते हुए देखते हैं, मगर इस बार वो जेन्युइनली खुश होता है और साथ ही उसने अश्लील फिल्में भी देखना छोड़ दिया था। वो कहता है कि इस तरह उसे पूरी तरह से समझती है।
वो जब भी उसके साथ होता है तो अपने आप को खो देता है। लाइफ में पहली बार वो एक जेन्युइन और अच्छे रिलेशनशिप में है और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो ये थी डॉन जॉन की कहानी, जहां जॉन को ये रियलाइज होता है कि एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल होना चाहिए, जो कि बारबरा ने उसके साथ कभी नहीं किया। दूसरी तरफ इस तरह से मिलने के बाद उसे ये समझ आया कि एक रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी काफी इम्पोर्टेंट है। आजकल की जनरेशन में पॉन बहुत सी गलत एक्सपेक्टेशन सेट करती हैं, बट अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आपको सेक्स में सेटिस्फेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।